गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आई एम फ्रॉम TSN सीनियर सेकेंडरी स्कूल। आई टीच इन क्लास 10th, सब्जेक्ट साइंस, चैप्टर नंबर 2, एसिड्स, बेस एंड सॉल्ट्स। डियर स्टूडेंट, ये मेरा थर्ड वीडियो है इस लेसन पर बेस्ड, एसिड, बेस और सॉल्ट पर। ये मेरा थर्ड वीडियो है, आपको ध्यान होगा। वीडियो सेकेंड में हमने एसिड बेस की प्रॉपर्टीज जो है स्टडी करी थी, और पीएच स्केल या पीएच पेपर जो है हमने स्टडी किया था, जो कि एसिड और बेस की स्ट्रेंथ और उनका एसिडिक और बेसिक नेचर दोनों में बताते हैं, जो कि एक यूनिवर्सल स्केल है। इसके बारे में हम स्टडी करके आ चुके हैं वीडियो सेकंड में। वीडियो थर्ड स्टार्ट कर रहे हैं हम। वीडियो थर्ड की स्टार्टिंग है सॉल्ट से, ठीक है। व्हाट आर सॉल्ट्स, सॉल्ट्स क्या होते हैं, तो देन देखिए आप, सॉल्ट्स आर आयोनिक कंपाउंड। ये आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं, इट मीन कैटायन और एनायन इनका फॉर्मेशन होता है, विच आर प्रोड्यूस आफ्टर द न्यूट्रलाइजेशन, जो कि प्रोड्यूस होते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के थ्रू। आपको ध्यान होगा डियर स्टूडेंट्स, हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देखकर आ चुके हैं। जब किसी एसिड की बेस के साथ रिएक्शन कराई जाती है तो फॉर्म होता है सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है, और यही रिएक्शन क्या कहलाती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सॉल्ट्स आर आयोनिक कंपाउंड विच आर प्रोड्यूस आफ्टर द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। एसिड एंड बेस की रिएक्शन जो है उसके थ्रू ये बनते हैं सॉल्ट्स, और ये रिएक्शन क्या कहलाती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। दे आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल भी होते हैं। क्यों? क्योंकि जब इनमें इनका फॉर्मेशन हो रहा है तो जितने चार्ज वाला कैटायन है उतने ही चार्ज वाला एनायन होगा, तो कैटायन एनायन जो है इनके चार्ज न्यूट्रल हो जाते हैं, इस वजह से ये भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देखिए, आपने क्या लिया है, यहाँ पर एग्जाम्पल लिया हमने सॉल्ट का, कॉमन एग्जाम्पल लिया है हमने सॉल्ट का, सोडियम क्लोराइड, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, NaCl, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड इज ऑल्सो नोन एज टेबल सॉल्ट और कॉमन सॉल्ट, इसे घर का नमक भी बोलते हैं, कॉमन सॉल्ट भी बोलते हैं, टेबल सॉल्ट भी बोलते हैं, विच इज यूज टू इनहेंस द टेस्ट ऑफ फूड, जो कि फूड के टेस्ट को थोड़ा बढ़ा देता है, ठीक है। सोडियम क्लोराइड, जिसे हम नमक बोलते हैं, इज ऑल्सो नोन एज टेबल सॉल्ट और कॉमन सॉल्ट, विच इज यूज टू इनहेंस, इनहेंस इट मीन बढ़ाना, ऑफ द टेस्ट ऑफ फूड, फूड के टेस्ट का बढ़ाने का काम है इसका, सोडियम क्लोराइड का, जो कि एक क्या है, सॉल्ट ही है। क्यों? क्योंकि सोडियम क्लोराइड भी फॉर्म होता है किससे, सोडियम कैटायन और क्लोरीन एनायन से, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखिए, इसके बाद इंपॉर्टेंट केमिकल फ्रॉम सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड से क्या क्या केमिकल कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं और उनकी इंपॉर्टेंस क्या क्या है हमारी डेली लाइफ में, उनकी हम स्टडी करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहला हम यहाँ पर कंपाउंड ले रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो डियर स्टूडेंट, मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि हाइड्रोक्साइड लगाया जाता है वर्ड तब जब किसी कंपाउंड में OH ग्रुप एड हो, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या है, NaOH, सोडियम और OH ग्रुप को क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड। तो इसका कंप्लीट नेम क्या हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इट इज स्ट्रॉन्ग बेस, ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है डियर स्टूडेंट, आपको ध्यान रखना है कि ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेस, नोन एज कास्टिक सोडा, जिसका मार्केट नेम जो है वो क्या है, कास्टिक सोडा। इट इज ऑप्टेन बाय द इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन, इट इज ऑप्टेन बाय द इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ NaCl। ये इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन से बनता है सोडियम क्लोराइड के, और सोडियम क्लोराइड का जो सॉल्यूशन है, जो सोडियम क्लोराइड का कंसेंट्रेट सॉल्यूशन होता है, उसे हम एक नेम और देते हैं, ब्राइन। जी हाँ, ब्रैकेट में मैंने मेंशन किया है, पर सोडियम क्लोराइड का कंसेंट्रेट सॉल्यूशन क्या कहलाता है, ब्राइन, जिसके इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन से फॉर्म होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्लोर एल्काली प्रोसेस कहलाता है, क्या कहलाता है प्रोसेस, इस प्रोसेस को नेम क्या देते हैं हम, जिससे सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका बन रहा है, क्लोर एल्काली प्रोसेस, क्लोर एल्काली प्रोसेस, ठीक है। रिएक्शन देखिए, क्या रिएक्शन होती है यहाँ पर, 2 मोल आपने सोडियम क्लोराइड लिया है सॉलिड स्टेट में, रिएक्शन करा रहे हैं इसकी वाटर के साथ, ये भी 2 मोल लिया आपने, लिक्विड स्टेट में है वाटर, फॉर्म हो रहा है इससे सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस, और क्लोरीन गैस यहां से निकल रही है, प्लस हाइड्रोजन गैस यहां से निकल रही है। तो बाय आप देख सकते हैं, आपके मेन प्रोडक्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 2 बाय प्रोडक्ट भी यहां पर निकल रहे हैं, कौन कौन से, क्लोरीन और H2। वापस रिएक्शन में बता देता हूं आपको, 2 मोल सोडियम क्लोराइड सॉलिड स्टेट, 2 मोल वाटर लिक्विड स्टेट से फॉर्म हो रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड,
प्लस क्लोरीन प्लस हाइड्रोजन, ये बाय प्रोडक्ट भी हमारे काम में आते हैं, ठीक है, इनका भी हम यूज देखेंगे। नेक्स्ट मैं स्लाइड चेंज करता हूं इसके बाद। नाउ डियर स्टूडेंट देखिए इसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड के हमने मैन्युफैक्चरिंग रिएक्शंस देखी इससे पहले वाली स्लाइड में। स्लाइड सेकंड में देखिए आप यूज ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या यूज है। तो देन देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज फॉर द डिग्रेसिंग ऑफ मेटल्स, यूज फॉर द डिग्रेसिंग ऑफ मेटल्स, मेटल की फिनिशिंग, मेटल को साफ करने में इनका यूज होता है। सेकेंड है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर सोप एंड डिटर्जेंट, मैन्युफैक्चरिंग पेपर सोप एंड डिटर्जेंट, जो पेपर इंडस्ट्रीज है या सोप इंडस्ट्रीज है या डिटर्जेंट इंडस्ट्रीज है, इनकी मैन्युफैक्चरिंग में भी इसका यूज होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है ये। नाउ नेक्स्ट देखिए इसके बाद सेकंड जो हम कंपाउंड स्टडी कर रहे हैं सोडियम का वो कौन सा है, ब्लीचिंग पाउडर। आप नेम सुना होगा ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर फॉर्मूला क्या है ब्लीचिंग पाउडर का, CaOCl2, इट इज ऑल्सो नोन एज क्लोरीन ऑफ लाइम, इसे क्या नेम दिया जाता है क्लोरीन ऑफ लाइम। इट इज अ सॉलिड एंड येलोइश व्हाइट कलर, इसका जो प्रॉपर्टीज बता रहे हैं तो इस प्रॉपर्टीज में क्या लिखना है आपको, इसका कलर जो प्रॉपर्टी है स्टेट जो है वो क्या है सॉलिड स्टेट, और कलर क्या होता है इसका येलोइश व्हाइट कलर, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज क्लोरीन ऑफ लाइम, इट इज अ सॉलिड एंड येलोइश व्हाइट कलर। नाउ देखिए कैसी किस रिएक्शन से ऑप्टेन होता है ये ब्लीचिंग पाउडर, तो देखिए इसके लिए आपने क्या लिया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, जिसे हम स्लैग्ड लाइम भी बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की जब हम रिएक्शन कराते हैं क्लोरीन के साथ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के हम रिएक्शन करा रहे हैं किसके साथ क्लोरीन के साथ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन तो फॉर्म होता है ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2+H2O, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन से फॉर्म हो रहा है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसे हम ब्लीचिंग पाउडर बोल रहे हैं CaOCl2+ water। ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर का यूज देखिए क्या क्या यूज है, इट इज यूज्ड एज ए डिसइंफेक्टेंट, यानी इंफेक्शन को खत्म करने में, टू क्लीन वाटर, वाटर को क्लीन करने में, मॉस रिमूवर और वीड किलर। आप जानते होंगे वीड किलर क्या होती है, वीड्स ऐसे अनवांटेड प्लांट जो खेत में उग जाते हैं, ठीक है, और वो जो आपकी मेन क्रॉप है उसके साथ ये कंपटीशन करते हैं, उसका फूड ले लेते हैं, तो ये अनवांटेड प्लांट्स क्या कहलाते हैं वीड, और वीड को हिंदी में हम बोलते हैं खरपतवार, तो ये हटाना बहुत जरूरी होता है, तो वीड किलिंग का काम भी करता है ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। इट इज यूज एज ए डिसइंफेक्टेंट, टू क्लीन वाटर, मॉस रिमूवर और वीड किलर एटसेट्रा। नाउ नेक्स्ट देखिए इसके बाद सेकंड यूज क्या है ब्लीचिंग पाउडर का, फॉर ब्लीचिंग ऑफ कॉटन, कॉटन की ब्लीचिंग करने में, इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज ब्लीचिंग ऑफ वुड पल्प, और वुड पल्प जो है उसकी ब्लीचिंग करने में, ब्लीचिंग का बेसिक मतलब क्या होता है कलर रिमूवल, यानी कि इनका कलर उड़ाने में ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग रिएक्शन ध्यान रखनी है, और एक या दो आपको यूजेस इसके पता होने चाहिए, इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम पर्पज से। नाउ नेक्स्ट देखिए इसके बाद सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट जिसका फॉर्मूला होता है NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला क्या है NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट जिसे हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं, इसका नाम नोट कर लीजिए एक बार, एक और नाम है इसका सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इट इज ऑल्सो नोन एज बेकिंग सोडा और कुकिंग सोडा, इसे नेम क्या दिया जाता है बेकिंग सोडा और कुकिंग सोडा, क्यों नेम दिया जाता है उसके यूज में, क्यों नेम दिया जाता है उसके यूज में हमें पता चल जाएगा। इट इज ऑल्सो नोन एज बेकिंग सोडा और कुकिंग सोडा, इसे जो है नेम दिया जाता है। नाउ नेक्स्ट मैं स्लाइड चेंज कर रहा हूं उसके बाद। नाउ डियर स्टूडेंट इसके बाद देखिए आप सोडियम बाइकार्बोनेट ही अभी टॉपिक अपना रनिंग में है, स्लाइड मैंने थर्ड ले ली है यहां पर। सोडियम बाइकार्बोनेट की मैन्युफैक्चरिंग रिएक्शन हम देखते हैं यहां पर कैसे इसे फॉर्म किया जाता है, तो देखिए इसके रिएक्शन में क्या कर रहे हैं आप, सोडियम क्लोराइड की रिएक्शन करा रहे हैं
वाटर के साथ प्लस CO2 के साथ प्लस अमोनिया के साथ, सबके फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, ये कंपाउंड बार बार यूज में आते हैं। सोडियम क्लोराइड रिएक्शन करा रहे हैं, वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस अमोनिया NH3, तो फॉर्म होता है अमोनियम क्लोराइड और इसके साथ आपको मिलता है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, जिसका एक नेम और बताया था मैंने आपको, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्शन ध्यान रखनी है आपको। सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस CO2 प्लस NH3 से फॉर्म हो रहा है अमोनियम क्लोराइड NH4Cl अमोनियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज देखिए इसकी, इट इज वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, इट इज वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एम्फोटेरिक इन नेचर, इट इज वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एम्फोटेरिक इन नेचर। एम्फोटेरिक मीन्स क्या होता है, एम्फोटेरिक मीन्स जानते होंगे आप क्या होता है, एम्फोटेरिक नेचर जो एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव कर सके उसे हम बोलते हैं एम्फोटेरिक सब्सटेंस। ठीक है, तो एम्फोटेरिक है, एसिड और बेस दोनों की तरह ट्रीट किया जा सकता है। When baking soda is heated, अब next property है कि जब baking soda को गर्म किया जाए तो क्या होता है। ठीक है, तो then देखिए आप, baking soda जो अभी हमने formula बताया NaHCO3 baking soda sodium hydrocarbonate, दो मोल इसको गर्म कर रहे हैं हम, हीट दे रहे हैं, तो फॉर्म होता है इससे सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। NaHCO3 को हीट देने पर ये ब्रेक हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है, किसमें, सोडियम कार्बोनेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट, ये रिएक्शन आपको ध्यान रखनी है क्योंकि ये रिएक्शन नीचे भी यूज में आएगी। सोडियम कार्बोनेट यहां से फॉर्म हो रहा है, यूज देखिए आप सोडियम बाइकार्बोनेट के, NaHCO3 के यूजेस क्या क्या है। NaHCO3 इज यूज टू मेकिंग बेकिंग पाउडर, इट इज यूज टू मेकिंग बेकिंग पाउडर विच मेक द फूड सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी, जो कि फूड को सॉफ्ट बनाता है और स्पॉन्जी बनाता है। कुछ फूड मटेरियल ऐसे हैं, कुछ खाने की चीजें ऐसी हैं जिनमें बेकिंग सोडा डाला जाता है उनके बनते समय, ताकि वो फूड को सॉफ्ट बना सके और स्पॉन्जी बना सके, राइट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट देखिए इसके बाद, इट इज आल्सो यूज्ड इन टूथपेस्ट, इट इज आल्सो यूज्ड इन टूथपेस्ट विच मेक टीथ व्हाइट, जो कि टीथ को व्हाइट करता है, टीथ से जो है टीथ का इनेमल जो है उसे साफ करने का काम करता है। एंड क्लिंसिंग ऑफ ऑर्नामेंट ऑफ सिल्वर, और सिल्वर के जो ऑर्नामेंट है जो ब्लैक पड़ जाते हैं, काले पड़ जाते हैं सिल्वर के ऑर्नामेंट, चांदी के ऑर्नामेंट, उन्हें साफ करने का काम भी इससे किया जा सकता है सोडियम बाइकार्बोनेट के थ्रू, राइट। नाउ नेक्स्ट देखिए इसके बाद, सोडियम का जो नेक्स्ट कंपाउंड है वो के लिए हमने वाशिंग सोडा जिसका फॉर्मूला है सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, आपको ध्यान होगा ये सोडियम कार्बोनेट, ये जो ऊपर वाली रिएक्शन थी अबाउ रिएक्शन, इसमें भी फॉर्म हुआ था सोडियम कार्बोनेट, तो यही इसकी मैन्युफैक्चरिंग रिएक्शन भी है। ठीक है, तो मैं वापस यहां पर ये रिएक्शन नहीं लिखूंगा, आप ये रिएक्शन देख लीजिए एक बार और। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के दो मोल को आपने जब हीट दिया था तो फॉर्म हो रहा था सोडियम कार्बोनेट प्लस CO2 प्लस H2O। ये सोडियम कार्बोनेट जो है इसे ही हम क्या बोलते हैं, वाशिंग सोडा। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट को, और ये सोडियम कार्बोनेट जो है जब वाटर के 10 मॉलिक्यूल के साथ अटैच हो जाए, ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना ले, कॉम्प्लेक्स एंटिटी बना ले Na2CO3 प्लस 10H2O, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है Na2CO3.10H2O। ठीक है, तो यहां पर ये एक डबल सॉल्ट कंपाउंड है, क्योंकि डबल सॉल्ट में जो वाटर कंटेंट पार्ट होता है उसे डॉट लगा के अलग लिखा जाता है। तो अब आप इसका नेम क्या बोलेंगे, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। डेका इट मीन, डेका किसके लिए प्रीफिक्स लगाया जाता है, 10 के लिए प्रीफिक्स लगाया जाता है, 10 मॉलिक्यूल्स के लिए आप प्रीफिक्स लगाते हैं डेका। ठीक है, तो डेका हाइड्रेट इसका कंप्लीट नेम हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट तो था ही और उसमें आपने क्या ऐड कर दिया, डेका हाइड्रेट। हाइड्रेट किसके लिए, वाटर मॉलिक्यूल के लिए, 10 वाटर मॉलिक्यूल इसमें अटैच है, राइट। नाउ नेक्स्ट देखिए, यूजेज ऑफ वॉशिंग सोडा, क्या क्या यूजेज है वॉशिंग सोडा या सोडियम कार्बोनेट के। इट इज यूज इन क्लीनिंग ऑफ क्लोथ एस्पेशली इन रूरल एरिया, ये जो है क्लीनिंग ऑफ क्लोथ यानी कि कपड़ों की सफाई में काम आता है रूरल एरिया में। ठीक है, कपड़ों की सफाई में काम में लिया जाता है रूरल एरिया में। रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, ये वाटर की परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करता है। आपको ध्यान होगा वाटर की हार्डनेस दो टाइप की होती है,
टेम्परेरी हार्डनेस जो कि वाटर को बॉइल करके ही दूर की जा सकती है, और परमानेंट हार्डनेस जिसके लिए आपको वाटर की कोई केमिकल रिएक्शन करानी पड़ती है, तो उसे रिमूव करने के लिए परमानेंट हार्डनेस, वाटर की परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए आप यहां पर वॉशिंग सोडा का भी यूज करते हैं। ठीक है, रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। नाउ लास्ट है, इन द मेकिंग डिटर्जेंट केक एंड पाउडर, इन द मेकिंग डिटर्जेंट केक एंड पाउडर, ये यूजेस थे वॉशिंग सोडा के, और ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो की स्टार्टिंग करेंगे चैप्टर नंबर 3 से। थैंक यू डियर स्टूडेंट।